हॉन्टेड प्लेस ब्लॉग और हम लोग एक हॉन्टेड प्लेस में जाने वाले हैं। मेरे को हाल ही में पता चला सामने एक हॉन्टेड प्लेस है हमारे इधर का, और हमें इस ब्लॉक में मैं और दीप जा रहे हैं। तो मेरे को पता नहीं सामने क्या होने वाला है, भूत तो नहीं है लेकिन भूत का ख्वाब है हमारे दिल में। तो चलो सामने आपको रास्ता दिखाते हैं थोड़ा। सो गाइस देख सकते हैं इधर आस पास में मतलब कोई नहीं है, एकदम हम लोग ही है। तो थोड़ा इधर शाम का टाइम है, अभी क्या 5-6 बज रहा होगा। बहुत दूर दूर से एक बंद कोई भी नहीं आता उतना ही जगह में। हम लोग जा रहे हैं इधर से, सामने गांव है और ये कितना दूर है हमें भी पता नहीं, कुछ देर पे चलना पड़ेगा। प्लेस उधर एक शमशान है, एक बंदा फांसी लगा के मर गया था मेरे को जितना दूर पता है। तो ये देखो ये नदी नाम का क्या पता नहीं नाला है। बहुत ही सुनसान जगह है यार, मतलब हमारा हॉन्टेड ब्लॉग में पहला ब्लॉग है गाइस। और भी हम जाने का कोशिश करेंगे क्योंकि अगर मिला तो आसपास में जा। ये देखो गाइस आसपास कोई भी नहीं है, बस हम लोग को छोड़ के ये चाय पत्ते बगाना है। यहाँ मत आइएगा, एक सामने एक गांव है वही तो भूत क्या है ना, पंछी का आवाज है गाइस। भाई अभी तो देख लो सच्ची में कोई भी नहीं है, इधर उधर इधर उधर भाई साहब बस हम लोग ही है। चौंक गया था मैं भी पीछे से, क्या है आवाज है गाइस। चलो अभी हम लोग इधर जाने वाले हैं हॉन्टेड प्लेस में। गैस हम लोग इतना एडवेंचरस जगह में जा रहे हैं, सपोर्ट तो बनता है गैस, लाइक करो भाई। और कैसा ब्लॉग थे तो हम लोग, अगर अच्छा नहीं लगा ब्लॉग तो डिसलाइक कीजिए और कीजिए। हाँ चलो भाई, तो आगे रहे थोड़ा, आगे रहे जा तू, जा तू आगे रहे। देखो हमारा ये इसमें क्या लिखा है, एम्पावर क्या लिखा है, एमएमए एकेडमी फाइट टीम। तेरा टीम कहाँ है गाइस? अगली बार इस ब्लॉग में अगर अच्छा खासा व्यूज आया तो इधर में हम लोग जो है रात के टाइम में आएंगे। अभी कौन सा दिन आ रहा है, हल्का शाम हो रहा है और कुछ दिन में रात होगा, लेकिन अभी तो उतना भी शाम नहीं हुआ ना, कुछ सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, साफ सुथरा है, इधर कोई भी नहीं आता जाता, कोई भी आता जाता नहीं है गाइस। जैसे कि हम लोग थोड़ी आगे पहुंच गए, अभी इधर आसपास कोई भी नहीं है, सिर्फ पर्वत है बगान और सामने जंगल वगैरह है। भाई ये देखो एक सुनसान से इधर घर पर आए सामने, ये घर उसी का था, मैंने सुना किसका था भाई, जो यहाँ फांसी लगा था। वाह अभी इसमें गोबर गोबर मिलता है फ्री में, तो मत लीजिएगा। ओ भाई क्या ही मतलब एकदम डरावना सा जगह है गाइस। मेरा इंस्टा पर इधर के एक फोटो है, आप लोगों को पता नहीं होगा गाइस, मतलब मेरा जो एकदम शरीर एकदम रोंग के खड़े हो रहे हैं क्योंकि सामने देखो शमशान है। रुको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो सामने एक शमशान है क्योंकि आसपास कोई भी नहीं है गाइस। एकदम सच्ची से भाई डर तो लग रहा है एकदम, दुख 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 दुख। इधर एक छोटा सा फिर से घर है, ये देखो ये दुकान है, नहीं घर है, दुकान था, दुकान था बोला ना, क्या ही डर लग रहा है, उतना डरा भाई।
यहाँ पे सच में क्या रही हो सकता है। हेलो गुड गाइस, ऐसा मत बोल भाई, डर मेरे को सच में बोले तो मेरे को बहुत डर लग रहा है। गाइस थोड़ी देर बाद आपको हमारा फेस का रिएक्शन मिलेगा। रुक रुक रुक, यही मतलब जो है गाइस, तो गाइस ये बड़ा बड़ा पेड़, डर तो मुझे भी अब लग रहा है। ये जो हल्का हल्का सा डर है उसे रहने देना चाहिए, बहुत काम आता है भागते टाइम। तो गाइस अभी हम पकड़न पकड़ाई खेलेंगे भूत के साथ, हम भागेंगे पकड़ेंगे। गाइस इतना हमारा मतलब इतना हिम्मत है ना गाइस, जब अकेला आ चुके पीछे तो हमारा ब्लॉगर नहीं, देखो ब्लॉगर और मीडिया वाला कभी भी कहीं भी घुस सकता है, इतना पावर है। और क्या ये एकदम डरावना दिखाते गाइस, इधर चाय पत्ती का मतलब मापा जाता है और ये देखो मापा नहीं उगाया जाता है, उगाया नहीं मापा बिल्कुल बेचा बेचा। गाइस सच्ची में जो है हम लोगों को अभी बहुत डर लग रहा है क्योंकि इधर एकदम कोई भी नहीं है आसपास, देख सकते हो इधर भाई, दिखाने देना भाई खत्म। तो इधर एकदम खाली जगह पड़ा है, पड़ा है किसका पड़ा है, तो हम जा कर आ रहे हैं ऐसे ब्लॉग दिखाने के लिए आपको। ये देखो नीचे चाय पत्ते बगान से भरा भरा ये सब, ये भी और इधर गाय है। तेरा हार्ट बीट नहीं हो सकता,